हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का टेक लगाए हुए, कहो काबे का टेक लगाए हुए बैठे, और हमारे नबी पाक शासन की आंखों से जो आंसू मुसलसल आंसू मुसलसल आंसू। एक साहबी वहां से गुजर रहे जिनका नाम है हजरत सुदई। क्या नाम है हजरत? नाम याद रखना सुदई, पूरा नाम है हजरत सुदई बिन अजलान, नाम है हजरत सुदई। वो वहां से गुजर रहे, उनकी नजर पड़ी, मेरा आका रो रहे, अरे मेरा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे। ख्याल आया कि कहीं भूख तो न लगी, कहीं प्यास तो न लगी, मेरे नबी को किसी ने कुछ कहा तो नहीं। हजरत सुदई दौड़ते दौड़ते आए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के रसूल क्या हो गया, आप रोते क्यों? हमारे नबी ने फरमाया सुदई अच्छा हुआ तू आया बैठ। क्या फरमाया? अच्छा हुआ तू आया बैठ। हमारे नबी ने हजरत सुदई को बिठाया और क्या फरमाया? फरमाया मुझे इसका डर नहीं कि मेरी उम्मत नमाज छोड़ेगी, कयामत तक लोग पढ़ेंगे। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? अरे बोलो ना, पढ़ रहे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे। हमारे नबी ने फरमाया, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सुदई मुझे इस बात का डर नहीं कि मेरी उम्मत नमाज छोड़े, मेरी उम्मत कुरान छोड़े, मेरी उम्मत रोजे छोड़े, मेरी उम्मत हज छोड़े, मेरी उम्मत हक छोड़े, मुझे इसका डर नहीं। तो हजरत सुदई ने कहा, फिर आप रोते क्यों? कहा इसका डर है सुदई, मेरी उम्मत नमाज नहीं छोड़ेगी, रोजा नहीं छोड़ेगी, सकात नहीं छोड़ेगी, हज नहीं छोड़ेगी, कलमा नहीं छोड़ेगी, लेकिन सुदई मुझे इसका डर है कि मेरी उम्मत जमात 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 में तकसीम होगी और एक दूसरे से नफरत करेगी और उसकी नहुसत यह होगी कि उसको मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा।